दोस्तों हम लोग अभी तैयार हो गए हैं, जैसे पीछे देख रहे हैं रामेश्वरम मंदिर है, जहाँ पे हम बोले थे कि आ जाएंगे। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, हम लोग गए थे थोड़ा धनुकोटी देखने के लिए, उधर थोड़ा लेट हो गया, तभी हम लोग फिलहाल आ गए हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि 8 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। एंड अभी हम लोग यहाँ पे भैया से बात किए तो भैया से गाड़ी यहाँ पे सारा चीज़ देख ले रहे हैं। लग रहा था, पता नहीं था कि हम मोबाइल अलाउड है, तो एक आदमी को देखे यूज़ कर रहा था, तो मैं फिर वापस रिटर्न जाके कैमरा नहीं लाया, बिकॉज वो बैटरी डाउन हो रहा वगैरह कुछ कैमरा के लिए बोल सकता था, इसलिए हम फ़ोन को लेके आ गए हैं। एंड थोड़ा मोड़ा वीडियो शूट कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता जो कर रहे हैं वो भी करने का कोई नाम नहीं, तो इसलिए अभी आप लोग वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि जो रामेश्वरम मंदिर है, ये एक्चुअली में जो हम लोग इंडिया में 4 धाम होता है, तो 4 धाम में से एक धाम में आता है। A few inches later. So hello friend, good morning. Morning, so welcome to another vlog. So आज का जो मॉर्निंग हम लोग का देख रहे हैं आप लोग, जहाँ से स्टार्ट हो रही है एक पेट्रोल पंप है, डेफिनेटली उसका मतलब ये है कि हम लोग रात में स्टे किए थे और हम लोग यहीं पे स्टे किए थे एंड सारा सामान जो है अपना पैक कर चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग डायरेक्ट सीधे कन्याकुमारी के लिए। और थोड़ा थोड़ा सुबह भी हो गया, अब अच्छा लग रहा है और रास्ता भी मतलब पूरा अच्छे से देख पा रहे, तो इजीली ड्राइव करने में सुविधा भी हो रहा है। और मॉर्निंग का हवा एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऊपर से वो नेचुरल वाला फील। हाँ, और बोल रहे थे कि अभी हम कैमरा ऑन किए इससे पहले बहुत सारा, कम से कम 6-7 मोर देखे हैं। देखिए उधर भी कितना सारा मोर है, देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब ये गांव पूरा मोर है, तो हो सकता है और आगे देखने को मिलेगा, आपको भी दिखाएंगे सामने से। सो इधर जो देख रहे हैं ये सब जो है, देखिए उधर नमक बनाया जा रहा है, जो पानी से जो नमक बनता है, ये भी नहीं सोचे थे कभी देख पाएंगे बोल के कैसे नमक बनाया जाता है। तो इसी टाइप से नमक बनाया जाता है, जो पानी है समंदर का उसको स्टोरेज करके कुछ प्रोसेस रहता है, जो वो प्रोसेस करके देखिए ऊपर नमक पूरा बैठ गया है, तो उसको फिर ये से निकाला जाता है। चीज़ पानी का बहुत दिक्कत है, तो इसीलिए पानी भर के एक छोटा सा गाड़ी जैसा बनाया गया है, जिसमें आप कम से कम 4 से 5 बर्तन लोड कर सकते हो और एक ही बार ले जाते हैं ये लोग। देख रहे हो कितना लाइन लगाया हुआ, क्योंकि पानी का थोड़ा दिक्कत है और पानी कुछ ही समय के लिए मिलता है। इधर भी देखिए कितना ज़्यादा लाइन लगा हुआ है, सबके पास छोटे छोटे गाड़ी है घर पानी ले जाने के लिए। ये क्या इशारों में बातें हो रही है, अकेले बैठा है बाबू, तो अकेले है। सॉरी, इसको तो हिंदी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम गमछा दिए हैं, उसका ऊपर रखे हैं बैग को, क्योंकि बैग का जो ये वाला सब है ना, क्या बोलते हैं, जो प्लास्टिक वाला मटेरियल सब, तो ये सब जो है टैंक में जाके स्क्रैच हो रहा था, तो इसीलिए हम गमछा दे दिए हैं ताकि वो स्क्रैच ना हो। रुकना पड़ेगा कहीं नाश्ता के लिए, क्योंकि अभी तक नाश्ता नहीं किया है और टाइम 9 बज गया। ये मोर देखने का चक्कर में ना, और एक चीज़ बात कि वो जो लोकेशन था वहाँ पे इसलिए इतना ज़्यादा मोर था क्योंकि उस जो जगह का नाम है, उस गांव का नाम ही मयूरी है। तो बता, जिस गांव का नाम मयूरी रहेगा उस गांव में क्या मोर नहीं रहेगा? मेरा भैया को मुर्गा बहुत पसंद है, तो इधर का अगर भैया मुर्गा देखेगा तो उसको बहुत पसंद आएगा, बोलेगा ला दो बोल के, क्योंकि मेरा भैया जो मेरे पापा है दोनों ही पूरा मुर्गा का शौकीन है, बहुत शौक मुर्गा देखने का और रखने का, स्पेशल फॉर फाइट के लिए, लड़ाने के लिए। ऐसा जगह में पहुंच गए हैं रोड के किनारे, एक देखे अच्छा सा व्यू, एक मंदिर है शायद ये, सो प्रणाम। एंड इधर कुछ कुछ मूर्तियां हैं और उधर मंदिर है,
बहुत ही अच्छा लोकेशन दिख रहा था तो सोचे कि रुक के थोड़ा देख लेते, और डर भी लग रहा है हिसाब से, मतलब और उड़िया तो आता नहीं है, तमिल आता नहीं है, जो तमिल में कुछ लिखा हुआ है तो उसको पढ़ नहीं पा रहे, वैसे क्या चीज़ है। और क्या क्या इधर मूर्ति देखते हैं छोटा छोटा, इधर हाथी भी है शिव भगवान जी के, जो अपना था बैल सांड वो है नंदी, नंदी बाबा, और इधर कुछ कुछ मूर्तियां हैं, नाग वाला भी है, लक्ष्मी देवी विष्णु भगवान सारा चीज़ है। एंड इधर क्या है इसको भी देखते हैं थोड़ा, तो इधर है रोड और इधर है बंजर जमीन जिसको बोल सकते हो, एक हिसाब से बंजर नहीं बोलेंगे इसको, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बोलेंगे, क्योंकि जो काला मिट्टी है ना इसमें ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। चारों साइड नमक, इस साइड भी और इस साइड भी, कितना ज़्यादा नमक। और हवाई चक्की भी देख लो, पवन चक्की बहुत सारा, यही पूरा मतलब कंपनी चलाता है, इसी से ऊर्जा लेता है, लड़के से बाहर रहा उठा उठा कर, और सारा चीज़ को ऐसे भरेगा, फिर ट्रैक्टर आएगा या फिर कोई भी चीज़। वहाँ पे देखे थे हम, जैसे ट्रैक्टर आया था वो ट्रैक्टर में लोड किया, फिर वहाँ से जाता है कंपनी को, फिर वहाँ पे आगे प्रोसेस होता है। तो दोस्तों हम लोग कन्याकुमारी पहुँचने वाले हैं, और ज़्यादा नहीं 78 किलोमीटर बचा हुआ है, और ये रास्ता देखो ऐसा लग रहा है कि आगे ख़त्म हो गया, दोनों साइड पहाड़ है, बीच में रास्ता नहीं दिख रहा है, और यहाँ से ढलान है इसलिए ऐसा दिख रहा था, मेरे को लगा रास्ता ख़त्म हो गया। सो आराम आराम से चलेंगे, एक घंटा 10 मिनट में पहुँच ही जाएंगे एटलीस्ट। हवा लेकिन एक बार बोलना चाहेंगे कि हवा बहुत ज़ोर चला रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, एक बार भी धीरे हवा नहीं चल रहा है कि आप गाड़ी को स्टेबल करके सीधे ले जा सको, कभी लेफ्ट से राइट की ओर हवा मार रहा है, कभी राइट टू लेफ्ट, और जो हवा का रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है, पूरा बाइक को समेट ले रहा है समझो, फिर इतना भारी गाड़ी को भी समेट ले रहा है, तो जो प्लेटिना ये बजाज वगैरह आज का क्या हाल हो रहा होगा। रास्ता बहुत खूब सुंदर है मक्खन की तरह, और हम लोग उसमें फिसलते जा रहे हैं, चलते फिर और आगे दिखाते हैं आपको कुछ नया नया लोकेशन। और फाइनली हम लोग जहाँ पे सोचे थे वहाँ पे लास्ट अपना ट्रिप का पहुँचेंगे, एंड उसके बाद फिर आगे का प्लान है केरला होते हुए थोड़ा भैया का वहाँ जाएंगे, मेरा भैया रहते हैं कोयम्बटूर में, तो वहाँ भी घूमेंगे, और फिर उसके बाद देन घर जाएंगे वापस ट्रिप ख़त्म करके। ये मत सोइए, अभी बस पहुँचने वाले हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग कन्याकुमारी के सामने हैं, और यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर है, तो यहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा अच्छा आने वाला है, तो मैंने सोचा कि गोप्रो को बैटरी जितना चार्ज हुआ उतने ही करते हैं, लोकेशन छोड़ेंगे नहीं, और बहुत ही अच्छा अच्छा व्यू आ रहा, तो काम को छोड़ने का मन नहीं कर रहा, तो इसलिए अगर गोप्रो ऑफ हो जाएगा तो हमको सॉरी, बट हम जो जितना हो सके उतना सारा लोकेशन दिखाते हैं आप लोगों को। गाइस यहाँ पे देखो पवन चक्की जो अभी रुका हुआ था, हम जैसे कैमरा लगाए उसके बाद ही घूमना स्टार्ट किया है, क्योंकि हवा भी तेज़ हो गया, इनको पवन चक्की को घूमने के लिए जोर का हवा का ज़रूरत पड़ता है जो अभी दे रहा है। हम तो बोले थे भाई यहाँ पे मतलब जो हवा चलता है ना इतना ज़ोर हवा चलता है कि कुछ बोलने का नहीं। एक बात और, अगर वीडियो को लो क्वालिटी में देख रहे हो तो कुछ मज़ा नहीं आने वाला, प्लीज़ वीडियो को हम तो बोलेंगे जितना हो सके उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी में देखो, तब जाके तुम इतना सुंदर सुंदर नज़ारा का जो आनंद ले पाएगा भरपूर वाला, समझा, देखने का तो ऐसे भी दिखेगा बट वैसा मज़ा नहीं दे पाएगा, इसीलिए जितना हो सके उतना अच्छा क्वालिटी में देखो। इतना ज़्यादा पहुँच सकती है, इतना ज़्यादा पहुँच सकती है, देख रहे हो सर तो पूरा भरा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा। लोकेशन देख रहा है कितना ज़्यादा इधर पहुँच सकती है, बहुत ज़्यादा, और इस साइड जो है पहाड़ है, और पहाड़ ऐसा लग रहा है कि बादलों का पूरा एकदम चादर बना के लपेट के रखा है, इस टाइप का नज़ारा। और एक चीज़ यहाँ पे ना मतलब पहाड़ को जब देख रहे हैं तो ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कुछ
अलग सा मतलब कि कैसे बोले समझ नहीं आ रहा, जब समझ में आएगा तो बता देंगे। ठीक है।